कोरोना संक्रमण के दौर में धार जिले के लिए आज फिर सुकून और राहत भरी खबर आई है, जिसमें 12 कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर आज सुबह महाजन अस्पताल धार से डिस्चार्ज कर अपने घरों की ओर रवाना किया गया है। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीकांत बनोट, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह एवं जिले के वरिष्ठ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही चिकित्सकों का एक दल भी मौजूद रहा। इस दौरान डिस्चार्ज हुए 12 मरीजों को तालियां बजाकर स्वागत करते हुए गुलदस्ते सौंपे गए। स्वस्थ होकर लौटे लोगों ने भरे कंठ से स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ करते हुए उन्हें देवदूत बताया। कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने कोरोना मामले में धार जिले को लेकर नई जानकारी देते हुए बताया कि डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव किया गया है तथा जल्द ही अधिकतर लोगों को उनके उपचार में आराम के अनुसार स्वस्थ मानकर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं अब तक 39 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है तथा 38 संक्रमितों का फिलहाल उपचार जारी है। वहीं 2 लोगों की जिले में उक्त महामारी से मौत भी हुई है। उपचारित अधिकतर लोग जल्द ही अपने घरों को स्वस्थ होकर लौटेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि धार जिले में कोरोना के इतने गंभीर मामले नहीं हैं और लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रशासन के नियमों को माने और घरों में ही रहे तथा जल्द ही धार जिले को इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी। पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से पहले 27 केसेस ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए थे, आज 12, ऐसे करके कुल 39 केसेस हमारे ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं और इसमें 2 डेथ्स भी है जैसे आप जानते हैं। तो हमारे टोटल एक्टिव केसेस 38 है, हमारे 38 एक्टिव केसेस है, 39 डिस्चार्ज हो गए, मतलब आधे से ज़्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। इन 38 केसेस में भी एक बड़वानी में ट्रीटमेंट चल रहा है, 2 लोगों का इंदौर में ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी सब यहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी सभी भी असिम्प्टोमेटिक है, तो जल्द भी उनका भी डिस्चार्ज हम लोग करेंगे। और नया डिस्चार्ज पॉलिसी आया है, उसमें थोड़े बदलाव हुए, उसमें अधिकांश लोग डिस्चार्ज करने के लिए पात्र हो गए हैं, तो इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि इनको कब डिस्चार्ज